الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما दुश्मनों का राह में कांटे बिछाना याद है, दुश्मनों का राह में कांटे बिछाना याद है, गालियां सुनकर भी तेरा मुस्कुराना याद है, गालियां सुनकर भी तेरा मुस्कुराना याद है। हम लोग उस प्रोफेट के मानने वाले, इस रसूल के उम्मती है, हम सबकी खुशनसीबी है। और वजनी पत्थर बांध कर अपने मुबारक पेट पर, वजनी पत्थर बांध कर अपने मुबारक पेट पर, पेट भर सबको तेरा खाना खिलाना याद, पेट भर सबको तेरा खाना खिलाना। एक शानदार बाबरकत पुरनूर महफिल में हम सबकी शिरकत हो गई। ये अपनी नौइयत का एक अलग इजलास है, न ये कोई कॉन्फ्रेंस है, न जलसा है, न कोई सेमिनार है, ये सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करने के लिए हम सब लोग यहाँ जमा हुए कि कुछ ऐसा काम किया जाए। कर भी रहे बहुत से लोग अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी भी हमें से अगर कुछ लोग पीछे हैं, एक दूसरे से हम लोग सुने सुनाए और इसे दूसरों तक पहुंचाए, ताकि हम सबको अपनी जिंदगी का मकसद मालूम हो और इस कीमती लम्हात टाइम दिन रात जो अल्लाह ने हम सबको अता किया है उसे हम काम में ला सकें। मोहसिन आदम मिशन तकरीबन 150 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया खिदमत खल्क में लगी हुई, सबसे ज्यादा ब्रांचेस गुजरात में है। यहां तक के इनके काम को देखकर अभी आपने 75th जो ईयर मनाया है आजादी का, जिसे हिंदुस्तानी हुकूमत ने अमृत महोत्सव का नाम दिया है, आजादी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव बनाएंगे 75वीं वर्ष का। तो इस मौके पर अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग तरीके से जश्न मनाया और समाज सेवा खिदमत खल करने वालों को चुना। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम तंजीमों में गुजरात सरकार ने जिस तंजीम को अवार्ड दिया उसका नाम मोहसिन आजम मिशन। चीफ मिनिस्टर हाउस, गवर्नर हाउस से बाकायदा फोन आया हमारे मोहसिन आजम बड़ासा ब्रांच में और उनसे कहा गया कि आपको चुना गया। हालांकि हम इस इनाम के लिए नहीं काम करते, हमें तो रब ताला से ही नाम चाहिए, लेकिन जब रब राजी होता है, देख लीजिए रसूल अकरम की हदीस है कि जो शख्स खुदा को राजी करने के लिए काम करता है तो अल्लाह भी उससे राजी होता है और लोगों को भी उस शख्स से राजी करता है। तो दोस्तों हम सब की ड्यूटी आज यहां होंगी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साउथ इंडिया निगरान सईद साहब ने बताया और आपके शहर में भी हमारे जो मोहसिन आजम मिशन सेंट्रल टीम है उसके मेंबर जनाब सैयद शकील काजी साहब उसी शहर में रहते हैं, आप सब जानते हैं।
पूरी टीम उनकी जो है, हम तमाम टीम को मेंबर्स को मुबारकबादी देते हैं। 4 साल बाद मेरा आना हुआ और आया हूं ऐसे पुरनूर प्रोग्राम में शिरकत का मौका मिला। आपके सामने ये बैनर लगा हुआ, उसमें एटीएस लिखा है, अशरफी टिफिन सर्विस। कई स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और गांव में ये सर्विस जारी है। हमारा इरादा भारत में जहां जहां हमारी ब्रांच कायम हो हर जगह ये काम, उसमें गुजरात में आपको वीरमगाम, राधनपुर, प्रांति, मोड़ासा, सूरत, डबोई, अहमदाबाद, हिम्मतनगर, कंकारिया, इसके अलावा भी एक दो ब्रांच यूनिट करना शुरू कर दिया, कलोल है, वीरमगाम वगैरह करने का, छत्तीसगढ़ में रायपुर वहां पर ये काम जारी, आपके कर्नाटक स्टेट्स में बेल्लारी और हुगली में ये काम जारी। बताया अभी सही साहब ने 21 अगस्त 2021 की नस्बत मौला अली से, आप देखो तो अंग्रेजी एतबार से 21 को शुरू किया था और आज विलादत की तारीख मिल गई जब जश्न मना, तो सरकार मौला अली की विलादत का दिन भी सबको मुबारक हुआ, मगर बाद से वो शक्ति शुरू हो गई। रब तदीर हम सबको हजरत मौला अली करीब के पहचान से माला माल, ये उन्हीं का दर्द है जो काम कर किया जा रहा है। हमने अपने बुजुर्गों से यही सीखा दोस्तों, नौजवानों तक इसी पैगाम को कन्वे करूंगा, सिर्फ दूसरों को काम करते मत देखो, खुद भी आगे बढ़ो। हजरत शेखुल इस्लाम ने फरमाया, कुछ न कुछ तुम जरूर करते रहो, कुछ न करना बड़ी खराबी। हमें से कोई ऐसा जो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ सुनता और देखता तो ये बड़ी खराबी। कुछ ना कुछ तुम जरूर करते रहो, कुछ ना करना बड़ी खराबी है, तो कामयाबी कोई और चीज नहीं, काम करना ही कामयाबी। तुम कोशिश करो कोई भी नेक काम शुरू करने में, ये अजमो इरादा किया इन लोगों ने, आसान नहीं था। हजरत शेखुल इस्लाम फरमा रहे हैं कि ये मत सोचो तुम्हें कामयाबी मिलेगी, काम शुरू कर दिया यही तो कामयाबी, अल्लाह के हाथ में। अल्हम्दुलिल्लाह 2 टिफिन से शुरू किया, 6 टिफिन डेली, और किन लोगों, एक होता है आम लंगर किया जाता, हम सब शरीक होते, जरूरतमंद भी खाता और जो जरूरतमंद नहीं वो भी। मगर कभी ऐसा होगा कि आपके शहर में बहुत बड़ा लंगर हुआ, बहुत से लोगों ने खाया, बहुत तारीफ की, उस लंगर की बरकतों से मालामाल भी हुआ, लेकिन क्या आप या लंगर का इंतजाम करने वालों को इस बात का एहसास है कि आपके शहर में कुछ बच्चे, कुछ औरतें, कुछ बूढ़े भूखे भी सो रहे हैं, लंगर तक वो नहीं पहुंच सकते, कुछ माजूर ऐसे होंगे जो चल के आ नहीं सकते। अशरफी टिफिन का मकसद यही है कि हम बुला बुला के नहीं खिलाएंगे, हम तलाश करेंगे, तलाश कि हमारी बस्ती में कोई ऐसा तो नहीं है जिस बाप को उसके बच्चों ने छोड़ दिया हो, उसे कोई रिस्क पहुंचाने वाला ना हो, कोई उसे खाना देने वाला ना हो, कोई ऐसा माजूर अपाहिज तो नहीं है जो खानों का मोहताज हो। तो हमारी टीम के मेंबर्स पहले तलाश करते हैं, जब ऐसा कोई मिल जाता है तो उस तक खुद पहुंच के वो टिफिन पहुंचाता है। ये सुन्नत सहाबा है दोस्तों, अल्लाह ने माल दिया, औलाद दी है, तो आओ इन औलादों को भी कुछ करना सिखाओ, बिगाड़ से बचाओ और माल का भी सही इस्तेमाल करो। कुरान करीम की जिस आयत करीमा की तिलावत मैंने की, आप देखिए क्या मैसेज ऑफ इस्लाम, देखो लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं। आज यहां पर हरी भीड़ अलहमदुल्ला मौजूद, इस तरह के प्रोग्राम में अब तक मैंने एटीएस के कई प्रोग्राम किए, इससे पहले अभी नागरपुर में किया था, अहमदाबाद में किया था, वो भी बहुत कामयाब था, और उससे ज्यादा लोग मुझे यहां नजर आ रहे हैं, और साथ में इस वक्त 1000 लोग ऐसे जुड़े होंगे जो सोशल मीडिया के जरिए ऑनलाइन है। अलहमदुल्ला यहां पर जो टीवी चैनल मौजूद है, संविधान का 4th स्तंभ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और हम शुक्रिया भी अदा करते हैं इनका कि आप हजरात आए, क्योंकि इस मैसेज को दूर दूर तक पहुंचाने में आप पूरा ताबून अपना पेश करेंगे, और ये जो इस्लाम का एक अच्छा पैगाम आज इस जलसे में जा रहा है, दूर दूर तक आपके जरिए पहुंचेगा, इसका अजर सवाब अल्लाह ताला आपको भी अता फरमाएगा।
क्योंकि आपके कांधे पर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक बहुत बड़ी ड्यूटी है जिसे आप अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला इसे कबूलियत का दर्जा दे। कुरान करीम में अल्लाह फरमा रहा है, ए ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मुझ पर ईमान रखने वालों, लतुल्हिकुम अमवालुकुम, तुमको तुम्हारा माल गफलत में ना डाल दे। तुम मांगते रहे तो अल्लाह बिजनेस में बरकत दे, दुकान में बरकत दे, खेत खलिहान में बरकत दे, हमारा कारोबार अच्छा चले, रब्बे कदीर दुआओं को कबूल करने वाला है, रिस्क पे रिस्क देता है, फिर फरमा रहा ये माल तुम्हें गाफिल ना कर दे। लतुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम, और तुम्हारी औलाद तुम्हें गाफिल ना कर दे, किससे, अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की याद से। औलाद मांगने वालों, अमवाल मांगने वालों, ये कभी एहसास है कि मांग तो रहा हूं मगर हक अदा कर पाऊंगा कि नहीं? क्योंकि इंसान नफा और नुकसान देखता है, वही चीज मांगता है जिसमें बेनिफिट हो। मांगने वाले औलाद, बेनिफिट तब तुझमें मिल पाएगा जब तू इस आयत करीमा पर अमल कर लेगा, तभी तेरा माल भी तेरे लिए मुफीद, तेरी औलाद भी तेरे लिए मुफीद। नफा नुकसान तुम देखते हो ना, कुरान ने एक जगह कहा ना है, असर की कसम खा के रब्बे कदीर ने, वलास्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे इंसान घाटे में, नुकसान में। यहां पर कुरान खामोश नहीं हुआ, वरना जो इंसान होता सब घाटे में। आगे बताया गया इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय ईमान वाले। अब जो ईमान ला चुके हैं उन्हें सुकून हासिल हुआ कि चलो भाई हम घाटे में नहीं, हम फायदे में। मगर यहां पर इत्मीनान करके बैठ मत जाना, वहां तो जब इंसान को घाटे में कहा गया तो ईमान वालों को मुस्तस्ना किया गया, बताया गया कि नहीं, जो ईमान लाया वो घाटे में नहीं फायदे में। मगर इस आयते करीबा में अल्लाह फरमा रहा है कि तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुमको मेरी याद से गाफिल ना कर दे। वमई यफअल ज़ालिका फौलाइका हुमुल खासिरून, और जो भूल गए मुझको, गाफिल हो गए, वही नुकसान वाले हैं। आम इंसान की बात नहीं की अल्लाह ने, पहले मुखातब बनाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वला असर में क्या कहा था, ईमान वाला घाटे में नहीं फायदे में, और यहां कह रहा है ए ईमान वालो, अगर मुझे भूल गए, अगर तुम अपने माल और औलाद की वजह से मेरा जिक्र करना तुमने छोड़ दिया तो तुम घाटे में हो। वमन यफअल ज़ालिक, साफ कुरान फरमा रहा अल्लाह करीम, साफ ऐलान कर रहा, वमन यफअल ज़ालिक, जो ऐसा करेगा फौलाइका, वो हुम, वही। कितनी ताकीद के साथ कुरान करीम में आप ये कौन कीजिए, फौलाई का खासिरून नहीं कहा, सिर्फ मतलब वही था कि वो घाटे में, फौलाई का हुमुल खासिरून। अरबी जबान से जो दिलचस्पी रखते हैं जो अलमा, वो समझ रहे हैं कि उलाइका के बाद हुम लाने का मतलब ताकीद के साथ कहा जा रहा, वही वही घाटे में, वही नुकसान में। दोस्तों इस आयत करीमा को सुनने के बाद बेदार हो जाओ, तुम सोच रहे हो कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ अपने माल और औलाद के चक्कर में लगे, इतने सेल्फिश हो चुके हो कि पड़ोस में कोई भूखा है, मोहल्ले में कोई भूखा है, शहर में कोई भूखा है, बस्ती में कोई भूखा है, तुम्हें खबर ही नहीं, ना खबर लेने की कोशिश की। अल्लाह अहदे पे औदा दे रहा है, तुम भूलते जा रहे हो सब, तुम समझते हो नहीं ये तो आम लोगों की जिम्मेदारी है, ये तो कोई तंजीम वाले कर लेंगे, ये तो समाज सेवा वाले आएंगे कर लेंगे, ये तो मदरसे वाले तलाश कर लेंगे, तुमने अपनी कोई ड्यूटी नहीं समझी। आओ देखो अफजलुल बशर बाद अल अंबिया, जिनको कहा गया हजरत अबूबकर सिद्दीक, हजरत उमर,
रहनुमा और उनसे बड़ा मुसलमान कौन? ये सब अपने वक्त के बड़े बड़े मुसलमान, बड़े बड़े मोमिन, ऊंचे दर्जे वाले। हजरत उमर जब सब जाते थे तो रात में निकलते थे, पीठ पे गेहूं की बोरी को लेकर, अनाज की बोरी को लेकर, और एक घर वो पहले पता लगा चुके थे कि वहां एक औरत रहती है जिसे कोई खाना देने वाला नहीं। रात के अंधेरे में इसलिए हजरत उमर जा रहे हैं ताकि ना मेरे पड़ोसी को पता चले ना उसके पड़ोसी को पता, सिर्फ खुदा को राजी करने के लिए। आप ये देखिए अमीरुल मोमिनीन बाद में बने हजरत उमर, उस वक्त अमीरुल मोमिनीन रख कर आ रहे हैं और दरवाजा खटखटा के वापस, उस औरत को भी नहीं मालूम कौन रखे गया। उमर जानता और उमर का खुदा जानता। एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन गए और ऑलरेडी पहले से कोई रख के चला गया। हजरत उमर देखा है, किसी को तो पता नहीं था, मैं ही करता था, ये मुझसे पहले कौन? ये तो सोचने लगे कि आज कोई रख गया, अकेले दिन आके देखते हैं, फिर रखा मिला तो अब माता का फिक्र हुई, पता लगाना चाहिए कौन है, ऐसी नेकी करने वाला कौन है, मुझसे भी आगे निकलना। छुप के रात में तीसरी रात को देखते हैं तो वो कोई और नहीं, ये है हमारे बादशाह का किरदार, ये है प्राइम मिनिस्टर, ये है अमीरुल मोमिनीन। इन्होंने किसी की ड्यूटी नहीं लगा दी। वो जब सब सो रहे हैं, हजरत उमर सिद्दीक इस औरत की मदद के लिए कहां चला गया, हम सिर्फ इस किरदार को सुनते रहेंगे कि खुद अमल करेंगे। आप मिशन की टीम आपके हुबली में मौजूद, आपको ताबून में पेश करना। सईद भाई ने तो ऐलान कर दिया कि एक साल हमारे पास हम छह छह टिफिन रोज पहुंचा दिया करेंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप अव्वलन तो इनको डोनेट कीजिए, क्योंकि जिस नेक काम को ये अंजाम दे रहे हैं, जिस तरीके पर ये अंजाम दे रहे हैं, ये तरीका घर तक टिफिन पहुंचाने का, ये सुन्नत सहाबा है, ये सुन्नत अहले बैत। सिर्फ ताबून नहीं, बल्कि आप अपनी बस्ती में तलाश कीजिए कोई ऐसा फर्द जरूरतमंद मौजूद तो नहीं, अगर कोई ऐसा भूखा मौजूद है तो मोहसिन आदम मिशन ब्रांच हुगली के मेंबर्स को इत्तला दे दीजिए, इंशाल्लाह उसके घर में। आप ताबून भी पेश कीजिए और तलाश भी कीजिए, और इस तलाश कहां हम गरीबों को तलाश करें। अरे ऐसे लोग, हमारी वो थोड़ी ना पर्सनालिटी है कि हम निकले। अच्छा तो पर्सनालिटी वाले लोगों को पर्सनालिटी लोगों की तलाश कर लेनी चाहिए, ये भी हो सकता है, हमें कोई एतराज नहीं, किसी को कोई एतराज नहीं। आप साहिब मनसब है तो साहिब मनसब को तलाश कीजिए, आप जाने हैं ऊंचे दर्जे वालों को तलाश कीजिए। सबसे बड़ा दर्जा किसका है? कायनात का, अल्लाह के पास। सबसे बुलंद बाला कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तलाश करो रसूल, तलाश करो मोमिनों, जिसका कलमा पढ़ते उसको तलाश करो, जो तुम्हारी शफाअत करेगा उसको तलाश करो, जिसने तुम्हें जहन्नम से जिसके सब के तुम्हारे दांत ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को तलाश करो, जिसने जुल्म पर बर्बरियत की धरती को आजादी दिलाई उसको तलाश करो, उस मोहसिन कायनात को तलाश करो, तलाश करो। ढूंढते रहोगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा जाए कहां, आओ खुद उसी से पूछ लो, ये रसूल अगर हम आपको तलाश करें तो किधर जाए, तो रसूल ये कहते नजर आ रहे हैं इबू गौनी की वफाए तुम अपने कमजोर हाथ। तक जब मदद पहुंचाओगे तो समझ लेना तुम्हें रसूल की रजा।
वहां मिल गया, रसूल का करम मौजूद था, रसूल वहां खड़े थे, रसूल वहां मौजूद थे। इतना नेक काम है, इसीलिए तो गौसे आजम ने फरमाया। अभी खलीफा इस्लाम हजरत सैयद कादी शमसुद्दीन साहब, इनके भी खिदमत कम नहीं है, पूरे कर्नाटक में और आसपास के जिलों में अल्लाह ताला इन्हें और कुव्वत और मजबूती अता फरमाया। जिस चीज में लगाते हैं बरकत ही बरकत होती है, वो सलाहियत अल्लाह ने अता फरमाई, वो ये भी उर्दू शेख इस्लाम का फैजान है। तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ, तलाश करते 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 रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचे कहाँ? अपने अपने इलाकों के करीबों पर, वहां रसूल मिले। तब गौसे आज़म ने फरमाया, मैंने नेकी के रजिस्टर को उलट पलट कर देखा, कंगाल डाला सारी कायनात की नेकियों के रजिस्टर को, भूखों को खाना खिलाने से ज्यादा खुदा से करीब करने वाला कोई अमल है। और आगे फरमाते हैं, अगर मेरे पास सारी कायनात की दौलत आ जाए तो मैं सब भूखों को खाना खिलाने में खर्च करता हूं। यही वजह थी कि गरीब नवाज ने फरमाया कि इबादतों में सबसे ज्यादा दर्जे वाली इबादत मजलूम की फरियाद रसी और भूखों को खाना खिलाना। यही वजह थी कि मौला अली जब काम करने निकलते थे, बस हो गई वापस आ रहे, जिसका काम कर रहे हैं वो क्या कहे, अरे अली कुछ और भी टाइम दीजिए, कुछ और काम कर लो, कुछ और कमा लोगे, कहा नहीं, 2 किलो हो गया, 1 किलो में अपने बच्चों के लिए और 1 किलो मजबूर और मजलूम बच्चों डेली कमा रहे हैं। आप हा 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 घर में हा हा, उन्होंने कहा ठीक है, तो बात सही है, कल के लिए कल जिसने आज रिश्ते दिया वो कल भी दे। आप कहा क्या जायज ही काम तो है, जायज ही इसको तो आएगा, करने में क्या हर मना तो नहीं कि कल का आज आप नहीं कर सकते। तो आप सुनो अली की आदत क्या वो बताना चाहिए, अगर रिस्क हराम हो तो अजाब होगा और रिस्क हलाल हो तो हिसाब होगा। तो मैं कोई ऐसा काम नहीं करता जिसमें अजाब हो या हिसाब हो, जो आया चला गया। इसीलिए लोग जश्न मनाते हैं ना, सुनते उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश नहीं करते, बस इसमें लड़ते हैं कि हम अली वाले हैं कि हम अली वाले नहीं हैं। अरे सब अली वाले हैं, मौला अली को छोड़ के कौन कहा जा पाएगा? मौलाए कायनात बना दिया गया हो, सबको उनकी गुलामी में कर दिया गया हो, तो उनसे कौन दोस्त रखेगा? वो रखने वाले का ठिकाना कहाँ होगा? जिन्हें अब जरूर बशर बादल अंबिया की तहकीक कहा गया, वो भी हमें इस मरतबे को उनके मुबारकबादी दे रहे। तो सिर्फ जश्न मनाओ और ये एक गुटबंदी बन जाए, पार्टी बन जाए, ये तो मुसलमानों का शैवा नहीं। हम उनका यौम विलादत मना रहे हैं, ईद का दिन है, और बुजुर्गों का मनाया जाता है, ईद का दिन कहा जाता है। अच्छी बात, यकीनन ईद का दिन है, बरकत का दिन है, लेकिन जिसके ईद का दिन कहके तुम उनकी भी मना रहे हो जो मैं विलादत, उनसे भी पूछ लेना एक बार कि ईद का दिन आपके नजदीक कौन सा। हजरत अली फरमाते हैं, जिस दिन अल्लाह की कोई नाफरमानी बंदे से ना हो उस दिन उस बंदे का ईद का। मनाना चाहिए, लेकिन दोस्तों आओ मौला अली जो कह रहे हैं वैसा भी बना के तो देखें। सुबह से अपना हिसाब किताब शुरू कर दें, कोई आज गलती नहीं होनी चाहिए, आज कोई नमाज नहीं छूटनी चाहिए, आज माँ बाप की नाफरमानी नहीं होनी चाहिए, आज बीवी पे नाराज नहीं होना बेजा, आज कोई जुल्म नहीं करना, पड़ोसी का हक नहीं मानना, किसी कस्टमर को धोखा नहीं देना, कितना आसान है, कोई मुश्किल काम है? इस तरह करके पूरा दिन गुजारो, ईद का दिन बन जाएगा तुम्हारा। जिस दिन कोई नाफरमानी ना हो तो वो ईद है, और तलाश करो नेकियों की तरफ। आते कुरान ने एक जगह कहा कि सारे इंसान घाटे हैं, और कहा नहीं, मोमिन जो है वो फायदे। इस
आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है मोमिन कहीं तुम घाटे वाले ना बन जाओ। तो इसका मतलब ईमान है तो अभी बहुत मुतमईन होने की जरूरत नहीं, मायने में चले वहां पर आगे इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात, वो जो ईमान लाया और अच्छे काम किए, आमाले सालिहा को अंजाम, और आमाले सालिहा को जो अंजाम दे वो सालिह ही होता है। तो मोमिन और साथ में सालिहीन में हो तो अब वो नुकसान में नहीं आएगा। अब ये सालिहीन में कैसे बढ़ोगे, इसी आयत करीमा में अल्लाह फरमाया, क्या फरमाया, फिर से सुनो ए ईमान वालों, तुमको तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल ये मेरे जिक्र से गाफिल ना करो, और जो इस तरह की गफलत का शिकार होगा वो ही नुकसान में है। अब नुकसान में तो कैसे फायदे में आएंगे, साले ही बनना पड़ेगा। उसका तरीका अल्लाह ताला बता रहा है वो अनफिकु मिम्मा रज़क़नाकुम, इसी आयत के मतलब, इसीलिए कुरान हिदायत है। भाई देखिए इस कुरान के करीब आओ, पढ़ने की कोशिश करो, आपकी जो जिंदगी की डिफिकल्टीज है, जो प्रॉब्लम्स है, मेरा दावा कि आप किसी सही मुफस्सिर की तफसीर को पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपकी डेली की जो प्रॉब्लम्स है आने वाले दिन जो प्रॉब्लम का हल आपको उसी कुरान में मिल जाएगा जो आप पढ़ने वाले हैं। ज़ाती तजर्बा दीजिए, जो परेशानी जो गम लाहिर होता है, जो परेशानी रुकावटें आती है, अगले दिन पढ़ता हूं तो उसमें उसका हल नजर आता। तब तो अल्लाह ताला ने कहा ये हुदल लिन्नास है, ये कुरान लोगों की रहनुमाई के लिए, लोगों को रास्ता दिखाता है, हर तरह का रास्ता दिखाएगा जो तुम्हारी नजात का। आगे अल्लाह क्या फरमाया, वो अनफिकु मिम्मा रज़क़नाकुम, ये ईमान वालों गफलत में ना चले जाना, बहुत नुकसान में जाओगे, अनफिकु जो कुछ हमने दिया है उसमें से खर्च करो। खर्च करने में आपकी जान ना निकले इसलिए अल्लाह ने फरमाया मा रज़क़नाकुम, हमने दिया है, भूल जा, यही फरमा दिया कि तुम अपने रिस्क को खर्च करो, जो हमने दिया मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुमको दिया उसमें से खर्च करो, ये भी नहीं कहा कि उस सब का सब खर्च करो, मिम्मा उसमें से कुछ तो खर्च करो। आगे क्या फरमा, मिन क़ब्ल अन याती अहदकुमुल मौत, खर्च करो करते रहो इससे पहले कि तुम्हारे पास मौत आ जाए। कितना रहमान और रहीम वो रब है, आगाह कर रहा है, तुम भी कुरान में हो गए, आपको बचाया जा रहा है, आपके लिए अलार्म है ये, मिन क़ब्ल अन याती अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि तुम में से किसी के पास मौत आ जाए खर्च करो मौत से पहले, और जब मौत आए फयकूलु रब्बी, जिसकी मौत आए वो कुरान कह रहा है फयकूलु रब्बी, उस वक्त वो मरने वाला कह रहे हे मेरे रब लौला अख्तरतनी ला अजरिन करीम, ये मेरे रब थोड़ी सी मोहलत मुझे दे देता, क्यों नहीं तूने मुझे थोड़ा सा वक्त दे दिया, लौला अख्तरतनी ला अजरिन करीम, अजल करीब करीब का थोड़ा सा वक्त दे देता मौला, क्यों क्यों दे देता, तो असदका मैं सदका करता, मैं खैरात करता, वो अकुम मिन सालिहीन, और सालिहीन में मैं भी हो जाता, मगर इसको वक्त निकल गया था। अल्लाह ताला बचाना चाहता है बंदों को, मोमिनीन को, ये मोमिनो गफलत से निकलो, जो कुछ मैंने दिया उसमें से खर्च करो इससे पहले कि तुम्हारे पास मौत आए, तो उस वक्त तुम यही कहोगे कि ये मेरे रब थोड़ा मौका दे देता तो सत्ता तो मैं सत्ता करता, तो अकुम मिन सालिहीन, और मैं सालिहीन में मैं भी हो जाता। लेकिन आगे कुरान कह रहा है नहीं युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ कि जब किसी की मौत का दिन आ जाता है तो फिर अल्लाह ताला एक लम्हा भी उसे लेट नहीं करता। आप सुनवाई नहीं होती, वल्लाहु खबीरु बिमा तअमलून, और जो कुछ तुम कर रहे हो ना वो सब की खबर अल्लाह को है। तो दोस्तों इन आयत करीमा को पढ़ने के बाद हमें अपने एहसास को जगाना चाहिए, और जबकि ऐसी तंजीम मौजूद है मोहसिन आदम मिशन की, और अशरफी टिफिन सर्विस की शक्ल में
ऐसे जिम्मेदार लोग इस प्लेटफॉर्म को बना चुके हैं तो ये तो आपके लिए बड़ा आसान हो गया। आपको सिर्फ यहाँ तक पहुँचना, इनसे राबता करना, इन पर भरोसा करना है। आप इनके काम पर नजर भी रख सकते, इनसे हिसाब भी ले सकते, सारी चीजें चलना, बहुत जल्द इसका रजिस्ट्रेशन भी होने वाला है। बिल्कुल पूरी जमहूरियत यहां इस तरह, किसी तरह की कोई शिकवा, किसी को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अल्लाह और रसूल को राजी करने के लिए काम करने का कितना अहम काम ये अंजाम दे सकते। भूखों तक खाना पहुंचाएगा जहां रसूल तुम्हें मिलेंगे, और कितना अजीम काम है। मैं अपनी टीम के बारे में भी कह रहा हूं, जो निकलते हैं पहुंचाते हैं, या जो डोनेशन लेने के लिए लोगों तक जाते हैं, या जो खुद निकल के आकर मोहसिन आजम मिशन के लोग कहां है वहां पहुंचते हैं, चलते घर से निकलते हैं, उनके बारे में जो हदीस है, मन मशा तिहाजत अखी, इस हदीस के बाद इंशाल्लाह किताब में खत्म कर दूंगा कि जो शख्स अपने भाई की जरूरत को पूरी करने के लिए निकला। अभी रमजान आ रहा है, रमजान में आखिरी अशरे में एतकाफ होता, कहीं कहीं मस्जिद भी एतकाफ करने वालों से खाली रहते, मुतकिदीन से, बहुत सवाब का काम है। इस हदीस में रसूल फरमाते हैं, मैंने हफ्ता कफा यौम इत्तिगा कहा झेलला, कि जो जिस शख्स ने एक दिन का एतकाफ रखा अल्लाह को राजी करने के लिए, एक दिन का एतकाफ, जअलल्लाहु बैनहु व बैनन्नार सलाता खनाद, अल्लाह ताला उस शख्स और जहन्नम के दरमियान तीन खंदक का फासला पैदा कर, एक दिन एतकाफ रखता, तीन खंदक, और ये खंदक आपने नहीं जो गड्ढा खोद के चले जाते हैं म्युनिसिपलिटी वाले, इस तरह की खंदक नहीं है, उस वो खंदक, तीन खंदक, उसकी लंबाई चौड़ाई किया। रसूल फरमाते कुल्लु खंदकिन अबअदु मिम्मा बैनल खाबितैन, उसमें से हर एक खंदक मशरिक और मगरिब के बराबर दूरी पर, एक कोना जो मशरिक का दूसरा मगरिब के एक, इस तरह के तीन खंदक की दूरी पर उस बंदे को अल्लाह कर देगा जहन्नम। कितने दिन तक आपका सवाब है ये, एतकाफ की फजीलत रसूल ने बाद में बताई, और उससे पहले ये बताया, मम मशा बिहाजत अखी, जो शख्स अपने भाई की जरूरत को पूरी करने के लिए निकला, काना खैर लहु मिन एतकाफ अशर सनीन, तो ये एक बार का निकलना 10 साल के एतकाफ से बेहतर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर फाजिले बगदाद से महबूबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहसिन आजम मिशन हुगली, नारे रिसालत। इसलिए दोस्तों इस्लाम में पीछे मत करना, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। खानकाहों से ऐसी काम देखिए, बुजुर्गों ने हमेशा हुआ भी है, पहले भी, तो फिर से जारी होना चाहिए, जितनी खानकाहें सब जगह मेहमान जो भूखे आ रहे हैं उनके खाने का इंतजाम पहले से हो जाता है, तो ये अजीम काम है, कभी इसके लिए रुकावट ना बनना, इसको आगे बढ़ाने वाला काम करना, और ऐसे लोगों से होशियार रहना जो कभी आपको कंफ्यूज करना चाहे, ये नहीं ये नहीं वो नहीं, देखो काम कैसा है दोस्तों, इतने शहरों में ये काम चल रहा है, उन गरीबों की दुआएं मिल रही लोगों को, क्योंकि इस काम से मेरा खुद तजर्बा है, मैं मोहसिन आजम मिशन के प्लेटफॉर्म से बहुत सा काम कर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीम, मैं क्या मेरी तंजीम कर रही हूँ, पूरा बहुत अच्छा अच्छा काम तक गुजरात सरकार ने अवार्ड दिया, कोरोना के टाइम किया, अपनी अपनी जान पर खेल कर हमारे टीम मेंबर्स ने लोगों की जानों को बचाया, न जाने कितनी गरीब ऐसी बच्चियां जिनके जिनकी शादियां नहीं हो रही है गुर्बत की वजह से, ऐसे दर्जनों बच्चियों की शादियां हर साल होती है, इसी प्लेटफॉर्म से जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे उनके एजुकेशन का इंतजाम किया जा रहा है। अभी अहमदाबाद में अस्करी एम्बुलेंस सर्विस शुरू की गई, एजुकेशन के मैदान पर ऐलान हुआ है कि एक इंटरनेशनल स्कूल मोहसिन आजम मिशन अहमदाबाद में बनाएगा इंशाल्लाह, और उसकी कामयाबी के बाद इंशाल्लाह हर शहर में ये हमारी अपनी कम्युनिटी के लिए इस तरह का ये स्कूल हमारे खोलने का प्रोग्राम है कि जिसमें दुनियावी तालीम के साथ साथ एक दीनी सब्जेक्ट भी होगा, ताकि वहां का पढ़ने वाला मुसलमान का बच्चा जब निकले तो अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत कर सके, इस तरह के स्कूल भी खोलने के हमारे प्रोग्राम है। दूसरे और बहुत से काम, हमारे वो भाई जो जेलों में बंद है, बेकसूर है,
आपके शहर के बारे में भी सुना अल्लाह ताला जल्द से जल्द उन्हें रिहाई अता फरमाए, उनके कसूरों को ताकत और उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। लेकिन हमारी मोहसिन आजम मिशन प्लेटफॉर्म से शुरुआत अभी नहीं हुई, हम करने वाले हैं, क्योंकि जो मीटिंग सूरत में हुई उसमें बात तय हुई है कि एक अस्करी लीगल सर्विस भी हम शुरू करेंगे, जिसमें हम ऐसे वकीलों को अपने साथ रखेंगे कि कहीं भी हमारा कोई भाई, और उसमें सिर्फ ये नहीं मुस्लिम कौम, किसी भी कौम का कोई हो, अगर मजलूम है, मजबूर है, तो उसकी मदद करने के लिए मोहसिन आजम मिशन तैयार है। ऐसी तंजीम को इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ आपकी दुआएं भी मिलेंगी, आपका सहयोग भी मिलेगा, आपका ताउन भी मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबकी खिदमत को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। वासिफ दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।